वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल, कार इंट्रो में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार उसे भी देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ जाएगी। मेरे पास मारुति सुजुकी 800 थी जो कि 15 ईयर्स ओल्ड हो गई थी, तो उसको हमने स्क्रैप में डिस्ट्रॉय कराने की सोची थी। तो अब ये जो वीडियो है ये स्क्रैप में डिस्ट्रॉय कराने के ऊपर है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जैसे देख रहे हो कि गाड़ी के अंदर इंटीरियर है जैसे गाड़ी होती है, तो अब ये लोग इसके अंदर एक वन बाय वन सारी चीज़ें निकाल देंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें अब आप जैसे देख रहे हो, बिल्कुल सामने आपको इंजन नंबर और चेसी नंबर दिख रहा है, वो मैं हटा चुका हूँ, मतलब मैं पहले ले चुका था इनसे प्लेट। तो अब ये लोग क्या करते हैं, इसमें वन बाय वन सारे पार्ट्स अलग अलग कर देंगे, तो उसको ये सेल पर रख लेंगे। जैसे कोई मान लो किसी और के पास गाड़ी है, तो वो क्या करेगा, वो अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो ना यहाँ से थोड़ा थोड़ा सामान ले लेता है। जैसे मान लो कल को किसी की हेडलाइट ख़राब हो जाती है, तो वो पुरानी हेडलाइट लेना चाहता है, तो वो यहाँ से आके जो गाड़ी डिस्ट्रॉय होती है उससे पहले ये वो गाड़ी की लाइट्स वगैरह होती हैं, स्टीरियोज होते हैं, स्टेयरिंग होता है, गेयर बॉक्स होते हैं, सीट्स का होती हैं, सीट कवर्स होते हैं, टायर्स होते हैं, रिम्स होते हैं, तो ये इन सबको सेल कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग देखो ये वन बाय वन सारी चीज़ों को निकाल रहे हैं। जैसे इन्होंने पहले सीट्स निकाल दी, स्टेयरिंग निकाल दिया, डैशबोर्ड निकाल दिया, अब ये देखो ये पिलर तोड़ रहे हैं, मतलब पिलर टूटे हुए हैं। तो आगे आप लोग इसको खुद देख सकते हो, ये पीछे डिक्की अलग कर दी है, लाइट्स निकाल दिए हैं। ठीक है, तो अब बाकी आप लोग इस वीडियो के अंदर पूरा देख। फ्रेंड्स, ये लोग पता क्या करते हैं, जैसे कि मेरी गाड़ी का मान लो बम्पर सही है, मेरी गाड़ी की रियर लाइट सही है, तो ये उसको निकाल के अलग से रख देते हैं। तो जैसे मान लो किसी को ज़रूरत होती है, तो वो हेडलाइट्स यहाँ से परचेस कर लेता है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, अब ये जो ऊपर का रूफ़ होता है ना, उसको छत जिसे हम बोलते हैं, ये गाड़ी की रूफ़ को हटा रहे हैं, अलग कर देंगे, क्योंकि गाड़ी को डिस्ट्रॉय कराने का ही बेनिफिट होता है अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल में और 15 साल पुरानी होगी है तो। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी गाड़ी रीयूज़ नहीं हो सकती। चेसी नंबर, इंजन नंबर ये लोग आपको पहले ही दे देते हैं, तो इससे आप लोगों को एक वो रहता है सेटिस्फेक्शन कि मेरी गाड़ी आगे कोई मिसयूज़ में नहीं जाएगी। तो इसीलिए गाड़ी को हमेशा अपने सामने डिस्ट्रॉय जरूर करा ले। अगर आपकी गाड़ी डीजल में है तो आपको 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स डिस्ट्रॉय करानी पड़ती है। अगर आपकी गाड़ी, अगर आप NCR के अंदर हो, तो अगर आपका जो एरिया है दिल्ली NCR के अंदर आता है तो, और अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल में है, तो आपको आफ्टर 15 ईयर्स गाड़ी को डिस्ट्रॉय ही करा लेना चाहिए, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। अब देखिए, इन्होंने वन बाय वन सारी जितने भी गाड़ी है पार्ट्स थे सब अलग अलग कर दिए हैं। जैसे स्टीयरिंग है, डैशबोर्ड है, सीट्स हैं, क्लच था, ब्रेक थी। ठीक है, तो आप जैसे देख पा रहे हो सब कुछ इसके अंदर अलग कर दिया इन्होंने। इंजन भी वहाँ से अलग कर दिया, 50% सब कुछ हट चुका है यहाँ से। अब मेन जो बस है बॉडी, वो रहेगी, अब ये इसको भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने हैं। तो ये सब देखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। फ्रेंड्स, अब ये लोग क्या करेंगे, अब ये ना फ्लोरिंग अलग करेंगे, क्योंकि इन्होंने पिलर्स अलग कर दिए हैं। तो अब ये देखो आप, ये फ्लोरिंग अलग कर रहे हैं, अब ये हाफ ऑफ करके फ्लोरिंग अलग करेंगे। जैसे कि आपको कट्स दिख रहे होंगे फ्लोरिंग के, तो ये यहाँ से फ्लोरिंग हटा चुके हैं। अब ये धीरे धीरे इसको स्टेप बाय स्टेप फ्लोरिंग कट कर देंगे। इन्होंने गेयर बॉक्स हटा देना है। ठीक है, और ये पहले ही फ्यूल टैंक अलग कर चुके हैं, और टायर्स जो जिसे व्हील्स बोलते हैं, ये सब ये अलग कर चुके हैं। डोर हैंडल्स, डोर पैनल्स, फेंडर, ये सब पहले अलग हो चुका है। और अब ये सारी एक बारी पूरी इकट्ठी होने के बाद जब सारी खुल जाएगी, तो ये उसका सारी डिस्ट्रॉय होने के लिए मशीन में चली जाएगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो इसके डोर हैंडल्स होते हैं, डोर पैनल्स होते हैं, और जो बाकी के पिलर्स होते हैं, ये इसको कैसे कैसे अलग करते हैं, तो आप लोग देख रहे हो। ठीक है, अब मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया भी है कि जो जो चीज़ें इन्होंने अलग करी हैं वो कहाँ पे हैं, और आगे आपको और दिखाऊंगा कि जैसे स्टेप बाय स्टेप जो जो मटेरियल हटा रहे हैं कार से, तो ये इसको सारा कहाँ पे रख रहे हैं। अभी अपनी शॉप के बाहर रखेंगे, बाद में जाके ये इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, ताकि ये गाड़ी रीयूज़ ना हो सके। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी, तो ऊपर आपको आई बटन में मेरी वो वीडियो दिख रही हो, वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी, मैंने अपनी गाड़ी क्यों डिस्ट्रॉय कराई। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हो कि जैसे अब इसकी फ्लोरिंग गिर गई है, मतलब इसकी फ्लोरिंग नीचे आ गई है। तो अब ये क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब ये इसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप सारा इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे डिस्ट्रॉय करने का जो प्रोसेस है, जो भी है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये सारा सामान कहाँ रख रहे हैं। एक बार आप पहले देख लीजिए, ये सारे फ्लोरिंग कट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन लोगों ने सामान सारा कहाँ रखा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो, मेरी गाड़ी का सारे जो भी सामान था वो सारा यहाँ आ चुका है। ठीक है, अभी आप